साहसी रॉबिन, लेकिन जब तुम मुझे खुश लंदन में देखने आओगे तो मुझे विश्वास है कि तुम एक कम कंजूस मेजबान होगे। हालांकि तुम सही हो, अच्छे साथी, इसीलिए चलो घोड़े पर सवार होकर चलते हैं। विल्फ्रेड इस समय अधीर है। मुझे बताओ साहसी रॉबिन, क्या तुम्हारे दल में कभी ऐसा कोई दोस्त नहीं रहा जो सलाह देने से संतुष्ट न हो, बल्कि तुम्हारे कामों को निर्देशित करे, और जब तुम खुद काम करने की हिम्मत करो तो दुखी दिखे? रॉबिन ने कहा, ऐसा ही एक व्यक्ति मेरा लेफ्टिनेंट लिटिल जॉन है, जो अभी स्कॉटलैंड की सीमाओं तक एक अभियान पर गया हुआ है, और मैं आपके सामने यह स्वीकार करूंगा कि मैं कभी कभी उसकी परिषदों की स्वतंत्रता से नाखुश हो जाता हूं, लेकिन जब मैं दो बार सोचता हूं, तो मैं उस व्यक्ति पर लंबे समय तक नाराज नहीं रह सकता जिसकी चिंता का कोई और कारण नहीं हो सकता सिवाय उसके स्वामी की सेवा के प्रति उत्साह के। तुम ठीक कहते हो अच्छे योमन, रिचर्ड ने उत्तर दिया, और यदि एक और इवान हो मुझे गंभीर सलाह देता और अपने माथे की उदासी भरी गंभीरता से उसकी सिफारिश करता, और दूसरी ओर तुम मुझे धोखा देकर मेरे हित में जो सोचते हो उसमें शामिल करते, तो मुझे अपनी इच्छा की उतनी ही कम स्वतंत्रता होती जितनी ईसाई या बुद्ध परस्तों के किसी राजा को होती। लेकिन आओ सज्जनों, हम आनंद पूर्वक कोनिंग्सबर्ग चले और इसके बारे में और न सोचें। रॉबिन हुड ने उन्हें आश्वासन दिया कि जिस रास्ते से वे गुजरने वाले थे उस दिशा में उसने एक दल भेजा है जो किसी भी गुप्त घात के बारे में उन्हें अवश्य पता लगाएगा और सूचित करेगा, और उसे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि वे रास्ते सुरक्षित पाएंगे या अन्यथा खतरे के बारे में उन्हें समय पर सूचना मिल जाएगी जिससे वे धनुर्धारियों की एक मजबूत टुकड़ी पर हमला कर सकेंगे, जिसके साथ उसने स्वयं उसी मार्ग पर चलने का प्रस्ताव रखा था। उसकी सुरक्षा के लिए अपनाई गई बुद्धिमानी और चौकस सावधानियों ने रिचर्ड की भावनाओं को छुआ, और आउटलॉ कैप्टन द्वारा उसके साथ किए गए धोखे के कारण उसके मन में जो भी मामूली द्वेष रह गया था उसे दूर कर दिया। उसने एक बार फिर रॉबिन हुड की ओर हाथ बढ़ाया, उसे अपनी पूरी क्षमा और भविष्य के पक्ष का आश्वासन दिया, साथ ही वन अधिकारों और अन्य दमनकारी कानूनों के अत्याचारी प्रयोग को रोकने के अपने दृढ़ संकल्प का भी आश्वासन दिया, जिसके कारण बहुत से अंग्रेजों को विद्रोह की स्थिति में धकेल दिया गया था। लेकिन राजा की असामयिक मृत्यु के कारण साहसी आउटलॉ के प्रति रिचर्ड के अच्छे इरादे विफल हो गए, और जब राजा जॉन अपने वीर भाई के उत्तराधिकारी बने तो वन चार्टर को उनके अनिच्छुक हाथों से छीन लिया गया। रॉबिन हुड के बाकी करियर के साथ साथ उसकी विश्वासघाती मौत की कहानी उन काले अक्षरों वाली मालाओं में पाई जाती है जो कभी एक आधे पैसे की कम और आसान दर पर बेची जाती थी, अब उन्हें सोने के वजन के बराबर सस्ते दामों पर खरीदा जा रहा है। डाकू की राय सही साबित हुई, और राजा इवान हो गुर्त और वंबा के साथ बिना किसी रुकावट के कोनिंग्सबर्ग के महल के दृश्य के भीतर पहुंच गए, जबकि सूर्य अब भी क्षितिज पर था। इंग्लैंड में इस प्राचीन सैक्सन किले के आसपास के क्षेत्र से ज्यादा खूबसूरत या आकर्षक दृश्य शायद ही कहीं हो। नरम और कोमल नदी डॉन एक एम्फीथिएटर से होकर बहती है जिसमें खेती जंगल के साथ समृद्ध रूप से मिश्रित है, और नदी से ऊपर की ओर एक पहाड़ पर दीवारों और खाइयों द्वारा अच्छी तरह से सुरक्षित यह प्राचीन इमारत उगती है जो, जैसा कि इसके सैक्सन नाम से पता चलता है, विजय से पहले इंग्लैंड के राजाओं का शाही निवास था। बाहरी दीवारें शायद नॉर्मन्स द्वारा जोड़ी गई हैं, लेकिन आंतरिक किला बहुत प्राचीनता का प्रतीक है। यह आंतरिक प्रांगण के एक कोने पर एक पहाड़ पर स्थित है और शायद 25 फीट व्यास का एक पूरा चक्र बनाता है। दीवार बहुत मोटी है और इसे 6 विशाल बाहरी बट्रेस द्वारा सहारा दिया या संरक्षित किया जाता है जो सर्कल से बाहर निकलते हैं और टॉवर के किनारों के खिलाफ उठते हैं, जैसे कि इसे मजबूत या सहारा देते हैं। ये विशाल बट्रेस नींव से उठने पर ठोस होते हैं और काफी ऊपर तक होते हैं, लेकिन ऊपर की ओर खोखली है और किले के अंदरूनी हिस्से से संपर्क करते हुए एक प्रकार के बुर्ज में समाप्त होती है। इन विलक्षण संगतों के साथ इस विशाल इमारत का दूर से दिखाई देना सुरम्य प्रेमियों के लिए उतना ही दिलचस्प है जितना कि महल का अंदरूनी हिस्सा उत्सुक पुरातत्ववेत्ताओं के लिए है, जिनकी कल्पना यह हेप्टार्की के दिनों में वापस ले जाती है। महल के आसपास के एक बैरो को
यादगार हेंगिस्ट की कब्र के रूप में इंगित किया गया है और पड़ोसी चर्चयार्ड में बहुत पुरातनता और जिज्ञासा के विभिन्न स्मारक दिखाए गए हैं। जब क्योर्डी लायन और उनके अनुचर इस असभ्य लेकिन आलीशान इमारत के पास पहुंचे, तो यह वर्तमान की तरह बाहरी किलों से घिरा हुआ नहीं था। सैक्सन वास्तुकार ने मुख्य किले को सुरक्षित बनाने में अपनी कला समाप्त कर दी थी और वहां खंभों की एक असभ्य बाधा के अलावा कोई अन्य घेरा नहीं था। टॉवर के ऊपर से लहराता हुआ एक विशाल काला बैनर यह घोषणा करता था कि दिवंगत मालिक का अंतिम संस्कार अभी भी औपचारिक रूप से किया जा रहा है। इस पर मृतक के जन्म या गुणवत्ता का कोई प्रतीक नहीं था, क्योंकि उस समय शस्त्रागार के चिन्ह नॉर्मन शूरवीरों के बीच एक नवीनता थे और सैक्सन के लिए पूरी तरह से अज्ञात थे। लेकिन गेट के ऊपर एक और बैनर था जिस पर एक सफेद घोड़े की आकृति, जिसे बेढंगे ढंग से चित्रित किया गया था, मृतक के राष्ट्र और पद को दर्शाता था, जो हेंगिस्ट और उसके सैक्सन योद्धाओं के प्रसिद्ध प्रतीक द्वारा दर्शाया गया था। महल के चारों ओर हलचल का माहौल था, क्योंकि इस तरह के अंतिम संस्कार भोज सामान्य और भरपूर आतिथ्य के अवसर थे, जिसमें न केवल हर कोई जो मृतक के साथ सबसे दूर का संबंध होने का दावा कर सकता था, बल्कि सभी यात्रियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता था। मृतक एथेलस्टेन की संपत्ति और प्रतिष्ठा ने इस प्रथा को पूरी तरह से पालन करने का अवसर दिया, इसलिए कई दल उस पहाड़ी पर चढ़ते उतरते देखे गए जिस पर महल स्थित था। और जब राजा और उसके सेवक बाहरी अवरोध के खुले और बिना सुरक्षा वाले द्वारों में दाखिल हुए, तो अंदर का दृश्य ऐसा था जो सभा के उद्देश्य से मेल नहीं खाता था। एक जगह रसोइये बड़े बड़े बैलों और मोटी भेड़ों को भूनने के लिए मेहनत कर रहे थे। दूसरी जगह शराब के हॉगहेड्स को बाहर रखा गया था, जिसे सभी आने वालों की स्वतंत्रता पर पिया जाना था। हर तरह के समूह भोजन को निगलते और शराब को निगलते देखे जा सकते थे, जो इस तरह उनके विवेक पर छोड़ दिया गया था। नग्न सैक्सन सर्फ अपनी आधे साल की भूख और प्यास को एक दिन के पेटूपन और नशे में डुबो रहा था। अधिक लाड प्यार से पाला पोसा गया बर्गेस और गिल्ड भाई अपने निवाले को चटकारे लेकर खा रहा था, या अजीब तरह से माल्ट की मात्रा और शराब बनाने वाले के कौशल की आलोचना कर रहा था। कुछ गरीब नॉर्मन कुलीन लोगों को भी देखा जा सकता था, जो अपनी मुंडी हुई ठोड़ी और छोटे लबादों से पहचाने जाते थे, और साथ ही वे एक साथ रहते थे तथा पूरे समारोह को बड़ी उपेक्षा से देखते थे, जबकि वे उदारता पूर्वक प्रदान की गई खुशी का लाभ उठाने के लिए तैयार थे। भिक्षुक बड़ी संख्या में एकत्र हुए थे, साथ में फिलिस्तीन से लौटे घुमक्कड़ सैनिक भी थे। कम से कम उनके अपने विवरण के अनुसार फेरी वाले अपना माल प्रदर्शित कर रहे थे। घुमक्कड़ मैकेनिक रोजगार के बारे में पूछताछ कर रहे थे तथा घुमक्कड़ ताड़ीकार हेज पुजारी सैक्सन मिनिस्ट्रेल और वेल्श कवि प्रार्थनाएं कर रहे थे तथा अपनी वीणाओं भीड़ और रागों से गलत स्वर में शोक गीत निकाल रहे थे। 58-1 ने शोकपूर्ण स्तुति में एथेलस्टेन की प्रशंसा की, दूसरे ने सैक्सन वंशावली कविता में अपने कुलीन वंश के असभ्य और कठोर नामों का पूर्वाभ्यास किया। विदूषक और जादूगरों की कमी नहीं थी, न ही सभा के अवसर पर उनके पेशे को अशोभनीय या अनुचित माना जाता था। वास्तव में इन अवसरों पर सैक्सन के विचार जितने स्वाभाविक थे, उतने ही असभ्य भी थे। यदि दुख प्यासा था तो पीने के लिए पानी था, यदि भूख लगी थी तो भोजन था, यदि यह दिल पर हावी हो गया और दुखी हो गया तो यहाँ आनंद या कम से कम मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे। न ही सहायकों ने सांत्वना के उन साधनों का लाभ उठाने में संकोच किया। हालांकि कभी कभी, जैसे कि अचानक उस कारण को याद करते हुए जिसने उन्हें एक साथ लाया था, पुरुष एक साथ कराहते थे, जबकि महिलाएं, जिनमें से कई मौजूद थीं, अपनी आवाजें ऊंची करके बहुत दुहक से चिल्लाती थीं। रिचर्ड और उसके अनुयायियों द्वारा कॉनिंग्सबर्ग के महल यार्ड में प्रवेश करने पर ऐसा ही दृश्य था। सेनेशल या प्रबंधक ने निम्न दर्जे के मेहमानों के समूहों पर ध्यान नहीं दिया, जो लगातार प्रवेश कर रहे थे और वापस जा रहे थे, जब तक कि व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो। फिर भी वह सम्राट और इवानहो के अच्छे व्यवहार से प्रभावित हुआ, खासकर इसलिए क्योंकि उसने सोचा कि बाद वाले की विशेषताएं उसे परिचित थी। इसके अलावा दो शूरवीरों का आना, क्योंकि उनकी पोशाक उनके लिए उपयुक्त थी, एक सैक्सन समारोह में
एक दुर्लभ घटना थी और इसे मृतक और उसके परिवार के लिए एक तरह का सम्मान माना जा सकता था। और अपनी साबर पोशाक में और अपने हाथ में कार्यालय की अपनी सफेद छड़ी पकड़े हुए यह महत्वपूर्ण व्यक्ति मेहमानों की विविध भीड़ के बीच से रास्ता बनाता हुआ इस प्रकार रिचर्ड और इवानहो को टॉवर के प्रवेश द्वार तक ले गया। कुरथ और वंबा ने जल्दी ही आंगन में परिचितों को ढूंढ लिया और जब तक उनकी उपस्थिति की आवश्यकता न हो तब तक उन्होंने आगे बढ़ने का साहस नहीं किया। अध्याय 12। मैंने उन्हें मार्सेलो की लाश को लपेटते हुए पाया और वहां एक ऐसी गंभीर धुन थी शोक भरे गीतों आंसुओं और दुखद शोक गीतों के बीच जैसे कि बूढ़ी दादी नानी मृतकों के पास देखती रहती है। रात को बाहर पहनने के लिए अभ्यस्त है। पुराना खेल कोनिंग्सबर्ग कैसल के विशाल टॉवर में प्रवेश करने का तरीका बहुत ही अनोखा है और इसमें उस समय की सादगी झलकती है जब इसे बनाया गया था। सीढ़ियों की एक उड़ान जो इतनी गहरी और संकरी है कि लगभग खड़ी है टॉवर के दक्षिण की ओर एक कम प्रवेश द्वार तक ले जाती है जिसके द्वारा साहसी पुरातत्ववेत्ता अभी भी या कम से कम कुछ साल पहले टॉवर की मुख्य दीवार की मोटाई के भीतर एक छोटी सी सीढ़ी तक पहुंच सकते थे जो इमारत की तीसरी मंजिल तक जाती है। दो निचली काल कोठरी या तिजोरी है जो न तो हवा और न ही प्रकाश प्राप्त करती है सिवाय तीसरी मंजिल में एक चौकोर छेद के जिसके साथ वे एक सीढ़ी द्वारा जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। टॉवर में ऊपरी अपार्टमेंट तक पहुंच जो कुल चार मंजिलों में है सीढ़ियों द्वारा दी जाती है जो बाहरी बटरेस के माध्यम से ऊपर जाती है। इस कठिन और जटिल प्रवेश द्वार से अच्छे राजा रिचर्ड उनके वफादार इवानहो के साथ उस गोल कमरे में प्रवेश कर गए जो जमीन से तीसरी मंजिल पर है। चढ़ाई की कठिनाइयों के कारण विल्फ्रेड को अपने चेहरे को अपने लबादे में छिपाने का समय मिल गया क्योंकि यह उचित समझा गया था कि जब तक राजा उसे संकेत न दे तब तक वह अपने पिता के सामने न आए। इस अपार्टमेंट में एक बड़ी ओक की मेज के चारों ओर आस पास की काउंटियों के सैक्सन परिवारों के सबसे प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों में से लगभग एक दर्जन लोग इकट्ठे हुए थे। वे सभी बूढ़े थे या कम से कम बुजुर्ग पुरुष थे क्योंकि युवा जाति ने वरिष्ठों की बड़ी नाराजगी के लिए इवानहो की तरह आधी सदी से नॉर्मन विजेताओं और पराजित सैक्सन के बीच की कई बाधाओं को तोड़ दिया था। इन आदरणीय पुरुषों की उदास और दुखी सूरत उनकी खामोशी और उनकी शोकाकुल मुद्रा महल के बाहर मौज मस्ती करने वालों की लापरवाही के साथ एक मजबूत विपरीतता बनाती थी। उनके भूरे बाल और लंबी मोटी दाढ़ी उनके प्राचीन अंगरखे और ढीले काले लबादे उस अनोखे और असभ्य अपार्टमेंट के साथ अच्छी तरह से मेल खाते थे जिसमें वे बैठे थे और वो डेन के प्राचीन उपासकों के एक समूह की तरह दिखते थे जो अपने राष्ट्रीय गौरव के क्षय पर शोक मनाने के लिए जीवन में वापस आए थे। अपने देशवासियों के बीच बराबरी की रैंक पर बैठे सेड्रिक को आम सहमति से सभा का मुखिया माना जाता था। रिचर्ड जिसे वह केवल फेटलॉक के वीर योद्धा के रूप में जानता था के प्रवेश पर वह गंभीर रूप से खड़ा हुआ और सामान्य अभिवादन वेसहेल से उसका स्वागत किया साथ ही उसके सिर पर एक प्याला भी उठाया। राजा जो अपने अंग्रेजी प्रजा के रीति रिवाजों से अपरिचित नहीं था ने उचित शब्दों ड्रिंक हेल के साथ अभिवादन का जवाब दिया और सीवर द्वारा उसे दिए गए एक प्याले में से एक गिलास लिया। इवानहो को भी यही शिष्टाचार दिखाया गया जिसने अपने पिता को चुपचाप वचन दिया अपने सिर को झुकाकर सामान्य भाषण दिया ताकि उसकी आवाज पहचानी न जाए। जब यह परिचयात्मक समारोह संपन्न हुआ तो सेड्रिक उठा और रिचर्ड की ओर हाथ बढ़ाते हुए उसे एक छोटे और बहुत ही भद्दे चैपल में ले गया जिसे मानो बाहरी बटरेस में से एक से खोदा गया था क्योंकि वहां कोई रास्ता नहीं था। एक छोटे से संकीर्ण छेद को छोड़कर यह जगह लगभग पूरी तरह से अंधेरी थी लेकिन दो फ्लैम बॉक्स या मशालों के बिना जो लाल और धुएंदार रोशनी में मेहराबदार छत और नंगी दीवारें पत्थर की भद्दी वेदी और उसी सामग्री से बनी क्रूस को दिखा रहे थे। इस वेदी के सामने एक अर्थी रखी गई थी और इस अर्थी के दोनों ओर तीन पुजारी घुटने टेककर अपनी माला जप रहे थे और बाहरी भक्ति के सबसे बड़े संकेतों के साथ अपनी प्रार्थनाएं बुदबुदा रहे थे। इस सेवा के लिए मृतक की मां द्वारा सेंट एडमंड के मठ को एक शानदार आत्मामल
दिया गया था और यह पूरी तरह से योग्य हो सके, इसलिए लंगड़े सेक्रिस्टन को छोड़कर सभी भाई कॉनिंग्सबर्ग चले गए थे, जहां जबकि उनके 6 सदस्य एथेलस्टेन की अर्थी के पास दिव्य अनुष्ठान करने में लगातार पहरे पर थे, बाकी लोग महल में चल रहे जलपान और मनोरंजन में अपना हिस्सा लेने से चूक गए। इस पवित्र निगरानी और रखवाली को बनाए रखने में अच्छे भिक्षुओं ने विशेष रूप से अपने भजनों को एक पल के लिए भी बाधित नहीं करने के लिए सावधान थे, ताकि जॉन बॉक, प्राचीन सैक्सन नेपोलियन, दिवंगत एथेलस्टेन पर अपना शिकंजा न कस सके, न ही वे किसी भी अपवित्र आम आदमी को कफन छूने से रोकने के लिए कम सावधान थे, जो कि सेंट एडमंड के अंतिम संस्कार में इस्तेमाल किया गया था। अगर अपवित्र व्यक्ति द्वारा छुआ जाता तो अपवित्र हो सकता था। अगर सच में ये ध्यान मृतक के लिए किसी काम का हो सकता था, तो उसे सेंट एडमंड के भाइयों के हाथों से इसकी उम्मीद करने का कुछ अधिकार था, क्योंकि आत्मा फिरौती के रूप में चुकाए गए सोने के 100 मैनक्यूज के अलावा एथेलस्टेन की मां ने मृतक की आत्मा और उसके दिवंगत पति की आत्मा के लिए निरंतर प्रार्थनाओं को बनाए रखने के लिए उस फाउंडेशन को मृतक की भूमि का अधिकांश हिस्सा देने का इरादा घोषित किया था। रिचर्ड और विल्फ्रेड सैक्सन सेड्रिक के पीछे मृत्यु के अपार्टमेंट में गए, जहां जब उनके गाइड ने गंभीर भाव से एथेलस्टेन की असामयिक अर्थी की ओर इशारा किया, तो उन्होंने उनके उदाहरण का अनुसरण करते हुए श्रद्धा पूर्वक खुद को क्रॉस किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक संक्षिप्त प्रार्थना की। इस पवित्र दान के कार्य को करने के बाद सेड्रिक ने फिर से उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। वह पत्थर के फर्श पर बिना आवाज किए सरकते हुए आगे बढ़ा और कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसने बड़ी सावधानी से एक छोटे से वक्तृत्व कक्ष का दरवाजा खोला, जो चैपल से सटा हुआ था। यह लगभग 8 फीट का चौकोर था, जो चैपल की तरह ही दीवार की मोटाई से बाहर की ओर खोखला था, और छेद जो इसे रोशन करता था पश्चिम की ओर था और अंदर की ओर ढलान के रूप में काफी चौड़ा होता जा रहा था। डूबते सूरज की एक किरण उसके अंधेरे कोने में अपना रास्ता बनाती थी और एक गरिमामयी मुद्रा वाली महिला को दिखाती थी, और जिसके चेहरे